हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आज हम सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन डिस्कस करेंगे ओके okay? तो चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप भी बुक ओपन कीजिए क्वेश्चन रीड कीजिए एंड देन हम देखते हैं कि कैसे हमें रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन करना है ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इज लेट ए बी सी बी right triangle in which a b equals to 6 centimeter b c equals to 8 centimeter and angle b equals to 90 degree bd is the perpendicular from b on ac the circle through b c d is drawn construct the tangents from a to this circle ओके okay. तो हमें क्या गिवन है सबसे पहले कि हमें एक राइट right ट्रैंगल बनाना है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी और हमें क्या गिवन है हमें दो साइड्स का लेंथ गिवन है बेस एंड परपेंडिकुलर का हमें लेंथ गिवन है और एक हमें राइट ट्रैंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ओके okay. तो फर्स्ट स्टेप आप लिखिए कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्ट ट्रैंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री ओके तो हमें क्या करना है एक ट्रैंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एंगल बी नाइन्टी डिग्री का होगा ओके okay? तो हमें साइड बी सी का लेंथ गिवन है एट सेंटीमीटर तो क्या करेंगे आप स्केल की हेल्प से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर ओके देन राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है पॉइंट बी पर तो आप पॉइंट बी पर कंपास की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से एक एंगल ड्रॉ करेंगे कितना 90 डिग्री का ओके okay? तो हम एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री का अब ए बी का लेंथ हमें कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर राइट right? तो आप स्केल की हेल्प से कंपास को 6 सेंटीमीटर पर ओपन करेंगे कंपास के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे और इसको आपने बोल दिया पॉइंट ए राइट नाउ ए बी लेंथ ए बी इज सिक्स सेंटीमीटर अब क्या करेंगे वी विल ज्वाइन ए विथ पॉइंट सी ओके सो ट्रैंगल ए बी सी इज नाउ द रिक्वायर्ड ट्रैंगल विद ए बी इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर एंड राइट एंगल्ड एट बी दैट मीन्स एंगल ए बी सी ज 90 डिग्री ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी अब क्या करना है हमें हमें पॉइंट बी से एसी के ऊपर यानी कि हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओके okay. तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट बी से एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा ओके कंपास के प्रोटेक्ट कंपास के पॉइंटर को आप रखेंगे पॉइंट बी पर ओके okay. कंपास के पॉइंटर को आप रखेंगे पॉइंट बी पर राइट right. और एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर इस तरीके से जो ए सी को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा कंपास के पॉइंटर को रखेंगे आप पॉइंट बी पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे साइड ए सी पर जो इस साइड को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा ओके अब आप इस आर्क को बाइसेट करेंगे कैसे कंपास के पॉइंटर को रखेंगे इस पॉइंट पर और लेंथ ओपन करेंगे मोर मोर देन हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस तो आपने एक आर्क ड्रॉ किया इस तरीके से देन एक आर्क आपने इस साइड भी ड्रॉ किया देन सेम लेंथ पर कंपास को लेते हुए पॉइंटर को रखेंगे इस पॉइंट पर और इन दोनों आर्स को आप इंटरसेक्ट करेंगे अब जब आप इन दोनों आर्स इन दो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करेंगे और इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट बी से ही पास होगा ओके okay? इस तरीके से सो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट डी ओके एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी तो इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम बी टू साइड एसी ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट डी मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट डी जिस पॉइंट पर इस लाइन ने एसी को परपेंडिकुलर बाइसेट किया उसको आपने क्या बोला पॉइंट बी पॉइंट सॉरी पॉइंट डी ओके नेक्स्ट स्टेप लिखिए ड्रॉ लाइन बाईसेक्टर ऑफ बी सी ड्रॉ लाइन बाई सेक्टर ऑफ बी सी विच बाई सेक्ट बी सी एट ओ अब क्या करना है हमें साइड बी सी का जो है या लाइन बी सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है क्यों हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं वो अभी हम समझते हैं हमें करना क्या था हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कैसा सर्कल जो पॉइंट डी बी और सी से पास हो रहा है ओके। okay. अब ये सर्कल हम हम कैसे करेंगे, हम वो समझ रहे हैं। तो हम बीसी का लाइन बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइन बायसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है कंपास के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखिए कंपास को मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बीसी ओपन कीजिए ऊपर और नीचे आर्क कट कीजिए देन सेम लेंथ पर लेते हुए कंपास के पॉइंटर को आप पॉइंट सी पर रखिए ओके प्रीवियस आर्क को इंटरसेट करते हुए दो आर्क कट कीजिए एंड देन उनको आप ज्वाइन कर देंगे राइट right. इस तरीके से तो ये आपको पॉइंट मिल गया मिड पॉइंट ऑफ बी सी ओके इसको हमने बोल दिया पॉइंट ओ राइट चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी ड्रॉ अ सर्कल ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट बी डी एंड सी मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट बी डी एंड सी तो अब हमें क्या करना है ओ को सेंटर लेते हुए और क्योंकि ओ मिड पॉइंट है बी सी का सो so ओ को सेंटर लेते हुए एंड रेडियस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कंपास के पॉइंटर को आप रखेंगे पॉइंट ओ पर और कंपास की लेंथ ओपन करेंगे इक्वल्स टू ओ सी ओके और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अब ये सर्कल पास होगा पॉइंट सी और पॉइंट बी से तो होगा क्योंकि बी सी जो है इस सर्कल का रेडियस हो गया लेकिन ये पॉइंट डी से भी पास होगा क्यों होगा हम पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं फिर इसको हम समझते हैं So, कुछ इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ होगा अब ये सर्कल पॉइंट डी से क्यों पास होगा वो हम समझते हैं चलिए यहां पर हम बोर्ड पर अलग से इसको ड्रॉ करते हैं ओके okay. सो so, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है वो प्रॉपर्टी क्या है बी सी इज दी डायमीटर ऑफ द सर्कल ओके सो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डायमीटर अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन दर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को आप डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा अभी हम इसको पॉइंट डी ले लेते हैं ये 90 डिग्री का ही होगा तो अब आप देखिए कि एंगल बी डी सी नाइन्टी डिग्री है क्योंकि हमने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए सी पर तो एंगल डी एंगल बी डी सी हमें नाइन्टी डिग्री गिवन है और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया विद बी सी एज डाया तो एक ऐसा सर्कल जिसका कि डायामीटर बी सी है वो पॉइंट डी से ही पास होना चाहिए क्योंकि बी सी इस पॉइंट डी पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है डायमीटर मीटर बी सी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री

चलिए इसको रब कर देते हैं तो देखिए यहां पर कंस्ट्रक्शन में सर्कल चैप्टर का प्रॉपर्टी भी काम आ रहा है ओके तो ये पॉइंट आपने लिख लिया चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जॉइन ओ ए जॉइन ओ ए अब हम क्या करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट ओ को हम ज्वाइन कर देंगे क्यों क्या ज्वाइन क्योंकि हमें पॉइंट ए से ही तो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। ओके, okay. किस सर्कल पर जो पॉइंट बी सी डी से पास हो रहा है तो हमने पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया फिर एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जो पॉइंट बी सी और डी से पास हो रहा है और पॉइंट डी क्या था पॉइंट डी इज सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट बी से ए सी के ऊपर और उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो पॉइंट बी सी डी से पास होगा अब हमें इसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं पॉइंट ए से राइट right? तो इसलिए हमने पहले ये सर्कल ड्रॉ किया है बिकॉज ऑन दिस सर्कल वी हैव टू ड्रॉ tangents from point a now you can see that point a is an external point to the circle which passes through point b c d so how many tangents will be there there will be two tangents because from an external point we can draw two tangents on a given circle like in ye tangents kiss point par draw वो पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं ओके ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट लेकिन इस पॉइंट से हम इस सर्कल पर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो वो इस सर्कल को किस पॉइंट पर मीट करेंगी, पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं तो हमने क्या किया ओ ए को ज्वाइन कर दिया तो आप रिकॉल कीजिए जब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल वेन दिसर ऑफ दि सर्कल इज नोन तो हम क्या करते थे सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर रहे थे तो हमने यहां पर भी वही किया ओ को ए से हमने ज्वाइन कर दिया इसके बाद हम क्या करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे ओके तो आप नेक्स्ट स्टेप लिखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए विच बाईसेक्ट ओ एट एम ड्रॉ परपेंडिकुलर बाई ऑफ ओ ए विच बाई सेक्ट ओ एट एम तो हमें क्या करना है ओ ए का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ड्रॉ करना है कैसे करेंगे हमें पता है कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखेंगे ओके देन कंपास की लेंथ मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ओ ए ड्रॉ कर ओपन करेंगे ओके okay. देन हम दो आर्क कट करेंगे इस तरीके से देन सेम लेंथ पर कंपास को लेते हुए पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे एंड देन इन प्रीवियस आर्क को इंटरसेट करते हुए दो आर्क हम कट करेंगे अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से तो हमें ये पॉइंट मिल गया एम ओके दिस पॉइंट इज पॉइंट एम पॉइंट एम इज दिड पॉइंट ऑफ ए ओ राइट ओके नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप ड्रॉ सर्कल विद सेंटर एट एम ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर एट एम एंड रेडियस एम ए इक्वल्स टू एमओ इट इंटरसेक्ट दर्स्ट सर्कल एट बी एंड बी डैश पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं ड्रॉ सर्कल विद सेंटर एट एम एंड रेडियस एम ए इक्वल टू एम ओ इट इंटरसेक्ट दस्ट सर्कल एट बी एंड बी डैश तो अब हमने क्या किया एम को सेंटर लेते हुए और रेडियस एम ए इक्वल्स टू एम ओ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया एम को सेंटर लेते हुए एंड रेडियस एम ए इक्वल्स टू एम ओ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल इस फर्स्ट सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेट करेगा वो पॉइंट होंगे बी एंड बी डैश अब ये पॉइंट बी तो पहले वाला ही पॉइंट है तो क्यों ये सर्कल इस फर्स्ट सर्कल को बी पर इंटरसेट करेगा हम समझते हैं पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं ओके okay? इस तरीके से राइट right. सो so, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया बी डैश ओके okay? ये पॉइंट मिल गया हमें बी डैश अब क्यों इसने इस सर्कल को ओके क्यों इस सेकेंड सर्कल ने इस सर्कल फर्स्ट सर्कल को बी पर इंटरसेट किया बी पॉइंट तो ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स था जिससे फर्स्ट सर्कल भी पास हो रहा था तो आप अगेन देखिए नाउ ए ओ एज दी डायामीटर ऑफ दिस सेकेंड सर्कल क्योंकि हमने सेंटर क्या लिया है एम और रेडियस क्या लिया है एम ए इक्वल्स टू एम ओ तो एज सेकेंड सर्कल का डायामीटर है और आप देखिए कि ट्रैंगल ए बी ओ मैं यहां बना देता हूं फिर से ट्रैंगल ए ट्रैंगल ए बी ओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री का है तो हमने एओ को डायामीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया राइट और एओ अगर डायमीटर है तो हमें पता है कि डायामीटर सर्कल की सरकम पर 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड करता है अभी हमने समझा था तो यानी कि ये जो सर्कल होगा ये पॉइंट बी से पास होगा तो इस सेकेंड सर्कल ने फर्स्ट सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेट किया पॉइंट बी एंड पॉइंट बी डैश राइट अब हमें क्या करना है हमें पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ करने थे तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी और बी डैश को ज्वाइन कर देंगे बट हमने पॉइंट ए से बी को तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है साइड ए बी तो क्या करेंगे वी विल ज्वाइन ए बी डैश ओके तो आप लास्ट स्टेप लिखिए ज्वाइन ए बी डैश ज्वाइन ए बी डैश क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी ज्वाइन है तो हमने क्या किया ए को हमने बी डैश से ज्वाइन कर दिया Okay. So in this way, we have constructed the tangents from point A on the given circle. AB, AB dash are the required pair of tangents. AB and AB dash are the required pair of tangents. Okay. So with this, we have completed this question. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके आप देख सकते हैं कि हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए इसमें और कंस्ट्रक्शन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है आप इसको नोट कर लीजिए देन वी विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ओके तो आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स को नोट कर लिया होगा नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेवन ओके okay. चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं ड्रॉ अ सर्कल हेल्प ऑफ अ बैंगल तो आपको बैंगल की हेल्प से अब एक सर्कल ड्रॉ करना है टेक अउटसाइड सर्कल कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल तो आपको क्या करना है एक बैंगल लेना है और बैंगल की हेल्प से आपको एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है ड्रॉ करना है अब जब आप बेंगल की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको सर्कल का सेंटर नहीं पता है सो इन दिस केस सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट नोन टू अस और हमें क्या करना है सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से हमें सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं यानी कि इस केस में सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट नोन टू अस तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी तक नहीं सीखा है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बेंगल की हेल्प से लेकिन हम सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करने के बाद में अब हम सर्कल के सेंटर को लोकेट करेंगे यहां पर सेंटर हमें नहीं पता है तो हमें पहले सेंटर को लोकेट करना है क्योंकि हमने एक ही टाइप सीखा है इस केस में when center of the circle is not known to us okay construction of tangent from an outside point when the center of the circle is known to us हमने सिर्फ वही सीखा है तो इसलिए सर्कल का सेंटर तो मालूम होना जरूरी है ओके okay? चलिए मैं फर्स्ट स्टेप बोल रहा हूं आप लिखिए ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बंगल ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बंगल तो आप घर में एक बैंगल लेके और उस बैंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ओके सो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और हमें अभी सर्कल का सेंटर मालूम नहीं है ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑन द गिवन सर्कल विच आर नॉट पैरल टू ईच अदर तो हमें क्या करना है दो नॉन पैरल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है इस सर्कल पर ओके नॉन पैरल कॉर्ड्स तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं दो नॉन पैरल कॉर्ड्स को ए बी एंड सी डी सो ड्रॉ टू नॉन पैरल कॉड्स टू दिवन सर्कल राइट ये क्यों हमने ड्रॉ किए नॉन पैरल कॉड्स अभी हम समझते हैं आप थर्ड स्टेप लिखिए लोकेट देंटर ओ ऑफ द सर्कल लोकेट देंटर ओ ऑफ द सर्कल बाय ड्रॉइंग दी राइट बाई सेक्टर ऑफ द कॉड्स ए बी एंड सी डी सो अब आपने सर्कल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ओके वो प्रॉपर्टी क्या थी कि दर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर और द राइट बाइसेक्टर ऑफ टू नॉन पैरल कॉड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट देंटर ऑफ द सर्कल तो यहां पर भी सर्कल की प्रॉपर्टी हम यूज में ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे ए बी ए बी और सी डी का राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे कैसे करेंगे वो आपको पता है कंपास के पॉइंटर को आप पॉइंट बी पर रखेंगे ओपन करेंगे मोर देन हाफ ऑफ दी लेंथ ऑफ ए बी देन आप आर्क्स कट करेंगे फिर पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे प्रीवियस आर्क्स को कट करेंगे ज्वाइन कर देंगे एंड सेम हम सी डी के लिए भी करेंगे ओके तो इस तरीके से आपने राइट बाईसेक्टर ड्रॉ किए फॉर दी ए एबी एंड सी डी ओके और ये हमें सेंटर मिल गया सेंटर ओ कौन सा पॉइंट जहां पर ये राइट right बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए दीज राइट बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सर्कल दीज राइट बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट दी सेंटर ऑफ दी सर्कल तो ये राइट बेसेक्टर जैसे मैंने आपको बताया कहां पर इंटरसेट करेंगे सर्कल के सेंटर पर अब सर्कल का सेंटर हमने लोकेट कर लिया अब सर्कल का सेंटर अगर हमें पता है तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो हमें मालूम है ओके चलिए लिखिए नेक्स्ट स्टेप आप टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड सर्कल एंड ज्वाइन ओपी तो क्या करेंगे हम सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट ले लेंगे एक सुटेबल डिस्टेंस पर इस पॉइंट को हमने पी बोल दिया और इस पॉइंट पी को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे ओके नेक्स्ट स्टेप लिखिए ड्रॉ राइट बाईसेक्टर ऑफ ओ पी एंड लोकेट मिड पॉइंट ऑफ ओ पी एस एम ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ पी अब हमें ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और वो ओ पी को पॉइंट एम पर बाईसेकट करेगा तो कैसे ड्रॉ करते हैं राइट बाई सेक्टर वो हम सीख चुके हैं ओके आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ओ पी का और इसने ओ पी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट एम पर ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए टेकिंग एम एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू एम पी ड्रॉ अ सर्कल इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट ए एंड बी तो टेकिंग एम पी और एम ओ एस सेंटर सॉरी रेडियस टेकिंग एम एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू एम पी और एम ओ हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से ओके okay. और इस सर्कल ने प्रीवियस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया ओके जॉइन पी ए एंड पी बी और ओके okay, सॉरी हमने ए और बी पॉइंट पहले ही ले लिए हैं तो हम इन पॉइंट्स को पॉइंट ई e और पॉइंट एफ बोल देते हैं तो लास्ट पॉइंट विल बी जॉइन पी एफ एंड पीई ओके तो इस सर्कल ने प्रीवियस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेट किया इन पॉइंट्स को हमने पॉइंट ई e और पॉइंट एफ बोल दिया पॉइंट ए और बी हम पहले ही ले चुके हैं तो हम इनको पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ बोल देंगे अब क्या करना है जॉइन पीई एंड पी एफ तो हम पीई एंड पी एफ को ज्वाइन कर देंगे ओके सो लास्ट स्टेप पी ई एंड पी एफ आर ऑफ टेंजेंट्स पीई एंड पी एफ आर दी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी टू गिवन सर्कल सो इन दिस इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर कंस्ट्रक्शन वी हैव सीन सो मेनी क्वेश्चन ओके कोई डाउट है आप वीडियोस को फिर से देखिए फैकल्टी इंचार्ज से कंसल्ट कीजिए ऑल द बेस्ट बाय